गाइज आज वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम का। इस वीडियो आपको बताऊंगा इस क्रीम को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या सच में क्रीम आपके चेहरे को गोरा बनाएगी और आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज करनी चाहिए। आज इस क्रीम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बने टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास आज ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम है और सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास 9 ग्राम का पैक है और ये मुझे मिली है 49 रुपीज़ में। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के बेनिफिट्स की। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम तुरंत चेहरे से दाग धब्बों को कवर कर देती है, मतलब कि अगर आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे या किसी भी तरह के निशान हैं और आप उन्हें छुपाना चाहते हो तो इस कंडीशन में ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप इस क्रीम को लगाते हो तो तुरंत ये क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बों को कवर कर देती है। एंड गाइस बात करें इस क्रीम के और बेनिफिट की, तो इस क्रीम को लगाने का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते हो और आप हल्का हल्का लाइट वेट मेकअप लुक पाना चाहते हो तो लाइट वेट मेकअप लुक के लिए भी ये क्रीम काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आप इस क्रीम को लगाते हो तो ये क्रीम इंस्टेंट फेयरनेस देती है और इस क्रीम को लगाने के तुरंत बाद चेहरा पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और गोरा नज़र आने लगता है। गाइस अगर आपके फेस पर दाग धब्बों जैसी प्रॉब्लम है और आप किसी भी शादी पार्टी कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले उन्हें कवर अप करना चाहते हो और हल्का हल्का लाइट मेकअप लुक पाना चाहते हो तो आपको ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, आपको इस क्रीम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके फेस पे दाग धब्बों जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपकी स्किन थोड़ी डार्क है और आप डार्क स्किन के लिए इस क्रीम को यूज में लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि डार्क स्किन के लिए भी ये क्रीम काफ़ी अच्छी होती है। इस क्रीम के यूज से ये क्रीम आपकी स्किन को थोड़ी फेयर करने में भी आपकी हेल्प करने वाली है। और गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इस क्रीम की जो सच्चाई है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको स्क्रीन का टेक्सचर भी दिखा देता हूँ, देख लेते हैं कि स्क्रीन का टेक्सचर किस तरह का होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन का कलर वैसा ही है जैसे कि फाउंडेशन का होता है और ये क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम ले सकती है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन को अपने हैंड पे अच्छी तरीके से लगा ली है और इस क्रीम को लगाने के बाद मेरा हैंड पहले से काफ़ी फेयर नज़र आने लगा है। बात करें इसकी फ्रेगरेंस की, तो इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी लाइट सी काफ़ी अच्छी है। आपको इसकी फ्रेगरेंस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। सो गाइस इस क्रीम को यूज़ करना काफ़ी ईजी है, किसी भी शादी या पार्टी में जाने से पहले आपने अपने फेस को किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश कर लेना है और फिर आपने अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर आपने इस क्रीम को लगा लेनी है। और आप इस क्रीम को अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो और आप चाहें तो इस क्रीम को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। और गाइस इस क्रीम की एक अच्छी बात ये भी है, इस क्रीम को ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, इस क्रीम को मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इस ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।